नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई में हम बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, विजिट वीज़ा से रिलेटेड, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, फ्लाइटें कब स्टार्ट होने वाली हैं, इंडिया का क्या माहौल है, क्या रिएक्शन है, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं बता दूं, आपको पता ही होगा यूएई में कोरोना का रफ्तार एक बार हुआ था, लेकिन वैक्सीनेशन अच्छा था, सिस्टम ठीक था, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अभी एवरेज वहाँ पे 2000 के करीब आंकड़े आ रहे हैं। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 2000 आंकड़े कोई ज़्यादा नहीं है, वो भी 7 स्टेटों में। ठीक है, चल जाता है। इंडिया की हम बात कर लेते हैं, फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करें तो इंडिया के आंकड़े 4 लाख से प्लस थे, तब इंडिया की फ़्लाइटें बैन हो गई थी। जी हाँ, आप सबको पता है, क्योंकि हर वो देश जो 1 करोड़ की आबादी वाला है, 140 करोड़ की आबादी वाले से डरेगा, क्योंकि इंडिया की 1% आपको पता है दुबई में कितने लोग हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ भी कौन है बता दूँ, 10-12 लाख तो दुबई लोकल इमराती लोग हैं जो लोकल हैं, 10-12 लाख ओनली फॉर। और इंडिया के भाई आप समझ लो यार, मेरे सीकर में कितने ज़िले में, लगभग 10 लाख तो मेरे सीकर में है, ज़िला है, उसमें लोग पॉपुलेशन है उतनी वहाँ पूरी दुबई में। ठीक है, तो इस वजह से डरना स्वाभाविक है, 4 लाख से ऊपर आंकड़े आ रहे थे। तो यूएई सरकार ने इंडिया के लिए अस्थायी तौर से फ़्लाइटें बंद कर दी थी, 22 अप्रैल को घोषणा करी। आपको सबको पता है भाई, 24 अप्रैल से फ़्लाइटें बंद रहेंगी 10 दिन के लिए, यानी समथिंग 4 अप्रैल तक आप मान सकते हैं। 4 अप्रैल से पहले घोषणा कर दी कि भाई फ़्लाइटें 10 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हैं, 14 अप्रैल कर दी। 14 अप्रैल से पहले ही घोषणा कर दी कि फ़्लाइटें 25 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। जी हाँ, 25 अप्रैल से फिर एक्सटेंड आपको पता है घोषणा कर दी कि 14 जून तक फ़्लाइटें बंद करती हैं। और बता दूं, 14 जून जाने से पहले ही बता दूं, मई लास्ट में ही घोषणा कर दी कि फ़्लाइटें 31 जून तक सस्पेंड कर दी गई। 31 जून यानी ये जो महीना चल रहा है, आज 7-8 तारीख हुई हैं, पूरा 31 जून तक फ़्लाइटें बंद रहेगी। जिन्होंने वीज़ा ले रखे थे, लगभग लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, विजिट वीज़ा की बात करें तो। और दुबई का भाई आपको पता है, विजिट वीज़ा का पैसा रिटर्न नहीं होता, आप सबको पता ही है। 2 महीने की वैलिडिटी होती है, चाहे आप 1 मंथ का लें, चाहे 3 मंथ का लें। वर्क परमिट तो पहले से बंद थे, तो काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ। जी हाँ, चलो टिकट तो रिफंड हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीज़ा का पैसा गया। जी हाँ, हालांकि अभी बता दूं, यूएई ने 12 इंडिया के अलावा 13 लोगों को और भी ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, रेड लिस्ट में डाल रखा है। जी हाँ, लेकिन कुछ देश हैं उनको दुबई ने, यूएई सरकार ने बैन हटा दिया है, जिनमें बात करें सऊदी अरबिया, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस और जापान। जी हाँ, ये जो कंट्री हैं इनको बैन हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े कम हो गए, कंट्रोल है, तो इस वजह से इनकी फ़्लाइटें चालू हो गई। अब हम बात करें भाई, इंडिया की फ़्लाइटें कब स्टार्ट हो सकती हैं। जी हाँ, अब जून आपको क्या लगता है, जून पूरा निकलेगा? आपको एक बात मानना चाहिए कि किसी भी देश का लगभग कोई चीज़ सिस्टम बंद होता है तो 2-3 महीने लग जाते हैं उसको एक्सटेंड होते होते, आराम से 3 महीने लग जाते हैं, इंटरनेशनल मसला आ जाता है। लेकिन अभी देखिए, इंडिया में कोरोना के आंकड़े आज की अगर बात करें तो 1 लाख आंकड़े पहुंचे हैं। 7 जून की बात करें तो कहाँ 4 लाख थे पिछले महीने में, और आज इस महीने में बात करें तो 1 लाख आंकड़े हैं। तो जून एंड तक मुझे लगता है पहले वाली स्थिति आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये लगता है कि भाई 31 जून से पहले ही फ़्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं यूएई की इंडिया के लिए। जी हाँ, अब देखते हैं आगे, हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं मेरा निजी जो थिंकिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े तेज़ी से गिर रहे हैं। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बता दूं आपको पता है, एक्सपो 2021 दुबई में आने वाला, 2020 का 21 वो बोला गया है, तो इंडिया के कितने करोड़ों अरबों रुपए या फिर दुबई कमाएगा ना, इंडिया के लोग हैं वहाँ पे बिजनेस के लिए जाएंगे। और इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि 50 देशों की फ़्लाइटें बैन करके इंडिया की अकेली फ़्लाइटें चालू कर दें तो भी एवरेज बराबर आने वाला है, ये इस बात को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फ़्लाइटें 100% जून में स्टार्ट हो जाएंगी, नो डाउट। अब जून लास्ट में हो या फिर जून में पहले हो, मीटिंगें चल रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी फ़्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं जून के अंदर। बाकी भाई आप सरकार पे डिपेंड करता है, ये कि सरकार की वो क्या चाहती है। अब वीज़ा तो आपको पता है भाई, जो वीज़ा अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप टिकट भी बुक करोगे, हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन उन सबको आपको रुक जाना है, एक बार कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के अभी, क्योंकि बोल रहे हैं फर्स्ट लहर में आई, सेकंड लहर कोरोना की आ रही है, अभी थर्ड लहर भी आ सकती है। तो इस वजह से ये नहीं कि आंकड़े कम और इसके बदले हम एकदम आज़ाद हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
सिस्टम अपने को कंट्रोल करके अपने ऊपर रखना है कोरोना की वजह से। बाकी आंकड़े अगर कम होते, 50,000 के करीब अगर आंकड़े पहुंच जाते हैं जून में, तो भाई फ़्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी अभी तो 1 लाख आ रहे हैं, 1 लाख तो पहले भी आ रहे थे, तब भी फ़्लाइटें स्टार्ट थी, आप सबको पता है दुबई की। लेकिन अभी फ़्लाइटें वो क्या ना कि किसी चीज़ चलती रहे तो वो चलती रहती है, और जो स्टॉप हो जाती है ना फिर वो मुश्किल हो जाता है। वो ट्रेन की तरह होता है भाई, ट्रेन स्टार्ट होती है तो फिर उसको रनिंग लेने में टाइम लग जाता है, और वो चलती है तो फिर फास्ट दौड़ती है। वही फ़्लाइटों वाला सिस्टम है, वी सरकार ने बैन करके रखा है, तो 31 जून तो बंद है। 31 जून से पहले मुझे नहीं लगता फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उम्मीद ये है 99% कि जून के अंदर अंदर फ़्लाइट ओपन होने की घोषणा या ओपन हो जाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, सिस्टम सही होगा। बाकी इंडिया का कोरोना में थोड़ा सा ठीक है, 1 लाख के करीब आ रहे हैं, 10-1 दिन में अगर और कंट्रोल हो जाए तो फिर अच्छी बात है। वैक्सीनेशन चल रहा है, लोग भी, लॉकडाउन सबसे बड़ा लॉकडाउन है लगभग इंडिया में, मिनी लॉकडाउन करके रखा है, आप सबको पता है, उसी का वजह है कि आंकड़े कम हो रहे हैं। बाकी वैक्सीनेशन तो कितना हो रहा है, 1 करोड़ से ऊपर लोगों को अभी वैक्सीन लगा है। बाकी चलो अच्छी बात है, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।